लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। म्यूचुअल फंड के संदर्भ में इनमें से क्या SIP को सही तरीके से वर्णित करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हिच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब SIP? ए इन्वेस्टमेंट इन टी कंपनीज, बी अ मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, सी नेम ऑफ ए RBI बॉन्ड, अ टाइप ऑफ डिविडेंड, हिंदी में बोलता हूं, चाय कंपनियों में निवेश, नियमित निवेश का तरीका, RBI के एक बॉन्ड का नाम या एक प्रकार का लाभांश। सर प्लीज लॉक बी। बी मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। बी बताना लगाइए गंभीर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, ₹10,000 मूल्य है इसका। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा हेमलता जी। काका हाथरसी, फिराक गोरखपुरी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे साहित्यकारों के नाम में किस राज्य के शहरों का जिक्र है? टाउन्स ऑफ विच स्टेट फीचर इन द नेम्स ऑफ लिटररी फिगर्स लाइक काका हाथरसी, फिराक गोरखपुरी एंड मजरू सुल्तानपुरी। ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सर प्लीज लॉक डी उत्तर प्रदेश। श्योर है? हाँ जी सर। तो लगा दिया जाए? हाँ जी सर। कैसे अनुमान लगाया आप? सर ये सब बड़े नाम है सर, काका हाथरसी, सुल्तानपुरी जी, फिराक गोरखपुरी जी, उनके नाम से प्रदेश का नाम बोलना था। हाँ, मालूम है। डी पे ताला लगा दें। हाँ जी सर, डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, काका हाथरसी, सब महान लेखक थे, कविगण, हास्य कविगण, काका हाथरसी, और ये तीनों के तीनों जो हैं इनके नाम जो हैं इनके शहरों से जुड़े हुए हैं जो कि सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे पशु मुख्य रूप से इनमें से किस जगह और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं? हम आपको एक अभी वीडियो दिखाएंगे हेमलता जी। द एनिमल सीन इन दिस वीडियो क्लिप मेनली लिव इन एंड अराउंड विच ऑफ दीज प्लेसेस? कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे पशु मुख्य रूप से इनमें से किस जगह और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए छोटा नागपुर प्लेटो, बी लिटिल रण ऑफ कच्छ, सी कोलार प्लेटो या डी बागर ट्रैक्ट। कोलार पठार, लघु कच्छ रण, छोटा नागपुर का पठार, बागड़ ट्रैक्ट। सर ये वीडियो में जो दिख रहे हैं वो है जंगली गधे, तो वो गुड़खर बोलते हैं उसको, और वो लघु कचरण में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर लघु कचरण, बी लघु कचरण। ताला लगा दिया जाए। लघु कचरण, लिटिल रण ऑफ कच्छ, बी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भारतीय जंगली गधे को स्थानीय गुजराती भाषा में घुड़खर कहा जाता है। इनके संरक्षण के लिए गुजरात के लघु कच्छ रण में इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी है। आप गए हैं कभी? हाँ जी सर, देखे हैं। इनको देखा आपने? हाँ जी देखे भी है जी। ऑलराइट, प्रश्न आपके सामने रखूंगा, ₹1,60,000। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री ग्रेगर मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के नियमों को स्थापित करने के लिए किस पौधे का अध्ययन किया था? विच प्लांट डिड ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट ग्रेगर मेंडल स्टडी टू एस्टैब्लिश हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? ए कैबेज, बी कॉलीफ्लावर, सी पी प्लांट, डी क्लाइंबिंग रोज, हिंदी में बोलता हूं, पत्ता गोभी, गोभी, मटर का पौधा या क्लाइंबिंग रोज।
जॉर्ज मेंडल ने जिसके पर प्रयोग किए थे वो पौधा था पी प्लांट, मटर का पौधा। सर प्लीज लॉक सी, पी प्लांट। पी प्लांट, हाँ जी। श्योर है आप? हाँ जी। मटर का पौधा कह रहे हैं हेमलता जी, ताला लगाया जाए। आपने इसकी थोड़ी सी भूमिका बताई थी, क्या थी वो भूमिका? सर एक्चुअली ये मटर के पौधे पर जॉर्ज मेंडल का काम नहीं होता तो आज हम जेनेटिक सीजर तक पहुंच गए हैं, वो नहीं पहुंच पाते, ऐसा है सर। आप चलती फिरती जो है एनसाइक्लोपीडिया है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हेमलता जी ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। हेमलता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये पर्वतारोही कौन है जो 5 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है? Who is this mountaineer? The first Indian woman to scale Mount Everest 5 times. आपको हमें एक छवि दिखानी है, इसको देखने के बाद हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। देख लिया? हाँ जी, देख। विकल्प रखूंगा आपके सामने। हाँ जी। ए मलावत पूर्ण, बी अंशु जमसेंगपा, सी प्रेमलता अग्रवाल, डी डिकी डोलमा। सर प्लीज लॉक सी प्रेमलता अग्रवाल। शोर है कि गेस कर रही हैं आप? ठीक है सर, 50-50। ओके, शांत हो जाएं। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ना, इनमें से 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे। ठीक है, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। अच्छा, जहां जा रही थी वो मिट गया। अच्छा अच्छा, गलत। मलावत पूर्ण, अंशु जमसेंगपा। सर प्लीज लॉक बी अंशु जमसेंगपा, क्योंकि वो मलावता तो अभी छूटी है। ये श्योर है इसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, अभी श्योर हूँ। ये श्योर है? गेस्ट तो नहीं कर रही ना? अंशु जमसेंगपा। लॉक बी प्लीज, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ग्यारहवां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजराती भाषा में बनी पहली फुल लेंथ बोलती फिल्म किनके जीवन पर आधारित थी? द फर्स्ट फुल लेंथ गुजराती टॉकी फिल्म वॉज बेस्ड ऑन हूज लाइफ? ऑप्शन सुनिए, ए अखो, बी प्रेमानंद भट्टा, सी नरसिंह मेहता, या डी मीराबाई। अभी तो घड़ी नहीं है ना सर, ये सोच लीजिए। ये जितने हैं वो सारे भक्त कवि हैं, भजन वगैरह लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टॉकी फिल्म, फुल लेंथ टॉकी फिल्म। न समझ आ रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है। वीडियो कॉल है और आज दी एक्सपर्ट। सर प्लीज लॉक सी नरसिंह मेहता। सी नरसिंह मेहता, श्योर है? हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि नरसिंह मेहता नाम की पहली गुजराती फिल्म बनी। ओके, सी नरसिंह मेहता पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने समय लिया, क्या सोच रही थी आप? नरसिंह मेहता पढ़ा है ऐसा लग रहा था मुझे। नरसिंह मेहता पर आप बहुत श्योर हैं? हाँ जी सर। सही उत्तर दिया है आपने हेमलता जी।
आप अद्भुत खेल रहे हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं आप, हमारी तो समझ में नहीं आता। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है हेमलता जी, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वुहान किस चीनी प्रांत की राजधानी है? वुहान इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच चाइनीज प्रोविंस? ऑप्शन सुनिए, ए हुबी, बी ग्विजो, सी फुजियान, डी जेजियांग। वुहान शहर से तो आप परिचित हैं? हाँ जी, जहाँ से हाँ पूरा विश्व परिचित है उस शहर से। यहीं से निकला था वही बदमाश पूरे विश्व को हला दिया। हाँ, पूरे विश्व को COVID-19। मेरे ख्याल से सर इसका सही उत्तर है हुबई, ए हुबई। ए हुबई, श्योर हैं आप? हाँ सर, पढ़ा है वो भी कि हुबई प्रांत की कैपिटल है। क्या किया जाए? हाँ सर, प्लीज लॉक ए हुबई। प्लीज लॉक ए हुबई। कंप्यूटर जी, आपकी जो छोटी बहन है वो प्रार्थना कर रही है। हाँ जी सर, उसको टेंशन। आपकी सुपुत्री के चेहरे पर जब से बैठी हैं तब से उनका चेहरा बदला नहीं, एक ही एक्सप्रेशन है, बहुत बोर्ड है वो। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेमलता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको बताते हुए कि ये जो उत्तर है ये आपका सही है। थैंक यू सर, थैंक यू।